लॉकअप में पूनम पांडे और ओम स्वामी आएंगे नजर। कंगना के शो पर तेज हुई चर्चा। एकता कपूर का होममेड रियलिटी शो लॉकअप शुरू होने से पहले ही चर्चा में आ गया है। कंट्रोवर्सियल क्वीन कंगना रनावत शो को होस्ट करने वाली हैं और ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि ये शो कंट्रोवर्सी से भरपूर होने वाला है, क्योंकि शो की थीम ही लॉकअप है, यानी यहाँ एंट्री करने वाले कंटेस्टेंट्स बतौर कैदी शो में नजर आएंगे। लॉकअप में बतौर कंटेस्टेंट कौन कौन सदस्य होने वाले हैं, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने अपनी खबर में ये दावा किया है कि इस शो पर बतौर कंटेस्टेंट पूनम पांडे नजर आने वाली हैं। पूनम पांडे हमेशा ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं और उनके साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है और इसीलिए उनका नाम इस शो से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल की भी इस शो में एंट्री होने वाली है, ऐसी खबर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। बिग बॉस सीजन 15 से जबरदस्त सुर्खियों में आए ईशान और मायशा की जोड़ी को भी बतौर कैदी इस शो में लॉक किया जाएगा। स्प्लिट्स विला 10 के विनर रूडीज राइजिंग के फाइनलिस्ट बसीर अली भी लॉकअप में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं। ये चर्चा तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। वहीं अध्यात्म से जुड़े ओम स्वामी, जो आध्यात्मिक लेख के लिए जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पर वो लेखन करते हैं, उनका नाम भी कंट्रोवर्शियल शो से जोड़ा जा रहा है। हालांकि जिन नामों की चर्चा एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर की गई है, इन नामों को मेकर्स की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। ऐसे में ये दावा करना गलत होगा कि ये कंफर्म लिस्ट है, लेकिन जिन सदस्यों के नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर या एंटरटेनमेंट वेबसाइट पर की गई है, ये संभावना जताई जा रही है कि ये सभी लॉकअप शो में नजर आ सकते हैं। हालांकि क्या ये संभावना सच होती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।